पार्श्वनाथ पहाड़ पर हमेशा बना रहे अखंडता, इसीलिए मुख्यमंत्री से किया गया अनुरोध। पार्श्वनाथ के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आप गए होंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया और लोगों को आवश्यकताएं कम करने, सभी जीवों को एक समान मानने, जीव हत्या ना करने, प्रकृति का सम्मान करने जैसे उपदेश दिए थे। उनके सद्गुणों के कारण ही आज उन्हें आर्य समाज के लोग पूजते हैं, स्मरण करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बंगाल, बिहार आदि अनेक जगह घूम घूम कर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। मुंबई, कोलकाता आदि जगहों से जैन धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं एवं दर्शन करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि न सिर्फ जैन धर्म वाले बल्कि सभी धर्म वाले इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। शहर से दूर पहाड़ियों में स्थित यह जगह मनोरम है, मनमोहक है। पहले यह क्षेत्र सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता था, परंतु अब यहाँ प्रशासन की नज़र है और शांत सुरक्षित है। इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की मंशा थी, परंतु आर्य समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, अपना असंतोष व्यक्त किया, जिसकी प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा। पहले सुनिए दर्शन कराकर लौट रहे लोग क्या कहते हैं और इसके बाद आपको सुनाएंगे एक मंदिर में स्थित कर्मचारी क्या कहते हैं। अनुभव रहा आपका, कितना समय लगा आपको? जी हमारा, हमने सवेरे 5:30 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी और अभी 3 बजे हम उतर रहे हैं वन्ना से। और हम लोग हर साल आते हैं, लगभग साल में 3-4 बार मैं आ ही जाता हूँ। आज मैं अपनी मम्मी को लेकर आया हूँ और हमारी वन्ना काफ़ी अच्छी रही। और जैन और जैनेतर, आजकल जैनेतर लोग भी आते हैं, पर वे भी जैनियों का ही देखने के लिए आते हैं कि वे किस प्रकार से पूजा पद्धति करते हैं। वे अपना कोई भी आक्षेप नहीं लगाते हैं। इस तरह की जो भ्रांतियाँ यहाँ फैल रही है कि इसे पर्यटन बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पर्यटन नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, हमें बस सरकार से ये मांगे कि आप इसको तीर्थ है तो इसको तीर्थस्थल ही रहने दीजिए, लेकिन लोग आते हैं यहाँ, लोग श्रद्धा भाव से ही आते हैं। थोड़ा बहुत है तो अपवाद है, अपवाद हर जगह होता है। हाँ नहीं, हमारी निजता में कोई वो नहीं है, लोग आ रहे हैं, लोग श्रद्धा से आ रहे हैं, लेकिन बस ये है कि अप्रत्याशित रूप से इसमें वृद्धि होती जा रही है। इसका कोई हमें उपाय देखना होगा कि लोग पहली बार आई है यहाँ। जय जिनेंद्र, सभी को हमारा सादर नमस्कार। ये पहाड़ पे मैं तो जल्दी नहीं आ पाती हूँ, बेटा तो मेरा हमेशा आता है, लेकिन आज मैंने वंदना करी है। अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय। और मैंने पार्श्वनाथ टूर पे हमें कलश अभिषेक देखने का भी स्वर्ण में सुअवसर मिल गया और हमने गंधतक भी लगा लिया, सोचा नहीं कि हमें वो अभिषेक देखने भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा रहा। आते तो सभी यात्री लोग भावना से ही है, अब कहीं कुछ किसी के शक्ति गेल होता है तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ खा पी लेते हैं। अब हमें ऐसा कुछ उसका सोचना नहीं चाहिए, पर यह है कि जहाँ तक हो हमें नियम और संकल्प से करे तो बहुत ही अच्छा है। अनुभव तो बड़ा अच्छा था, लेकिन हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा चढ़ते टाइम, क्योंकि चढ़ान अच्छा खासा है, लेकिन ऊपर जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इतना अच्छा अच्छा चढ़ान वगैरह है, माउंटेन है, ऊपर मंदिर है, बड़ा अच्छा लगे। हाँ नहीं, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं लगा क्योंकि एकदम पवित्र है ऊपर सब कुछ, तो ऐसा तो मैं नहीं बोलना चाहता। मेरा नाम साहिल भौमिक है, मैं कलकत्ता से हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनीष कुमार झा और हमेशा जैसा मैं आपको बताया हूँ कि जो जनहित से जुड़ा मुद्दा रहता है उसे लेकर हम आपके पास आते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और वहाँ की क्या विशेषता रहती है वह हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ आप या आपके बच्चे लें। बच्चे को पढ़ाया जाता है गौतम बुद्ध के बारे में, 24वें तीर्थकार जैन धर्म के रहे थे महावीर के बारे में। उन्हें पढ़ाया क्यों जाता है यह तो आप जानते हैं, ताकि हम अपने मूल चीज को पकड़े। आज भी जब से अंग्रेज आए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, परंतु जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे थे जिन्होंने शोध किया था, कुछ ऐसे योद्धा रहे थे जिसकी वीरगाथा आज भी गाई जाती है, धीरे धीरे हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को पकड़ते हैं और इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता है। अभी हम हैं पार्श्वनाथ में, एक ऊंचाई पर ये पहाड़ी स्थित है, 2 किलोमीटर ऊपर हम चढ़े हैं और यहाँ आकर ये जो मंदिर है, हम चाहेंगे हमारे साथी आपको दिखा दें।
ये मंदिर है और यहाँ उनका आदम कद प्रतिमा बैठा बना हुआ है, जो उनका मुद्रा था, जो आसन था, उसी आसन में अंदर में उनका प्रतिमा बना हुआ है और लोग आते हैं दर्शन करते हैं। अनेकता में एकता, जिसका एक परिचय रहा है अपने देश का, उसमें से एक जगह यहाँ है। सिर्फ जैन ही नहीं, बौद्ध धर्म मानने वाले, सनातन धर्म मानने वाले सभी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ हमारे साथ एक सज्जन है, हम इनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ की विशेषता और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये जो आपका पूरे ऑल इंडिया के साथ आते हैं, जैसे कि आसनसोल, बंगाल, चारों तरफ से ऑल इंडिया के ऐसे कोई स्टेट नहीं जो नहीं आते। विशेषता क्या रही है आज का, खास इसलिए हो गया है कि अभी का बात करें तो इसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने नहीं देना चाहते यहाँ के लोग। आखिर क्या रीजन है, अलग अलग से लोग आते ही हैं, वैसे अगर इसका राजस्व भी कुछ आ जाए, यहाँ का भी विकास हो, तो दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत तो यह है कि तो हमारे जो जैन संस्था है, इसमें क्या है, हमारे बहुत पवित्र स्थल और धार्मिक स्थल घसकर बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल हो जाए तो हमारे पहाड़ पे रेस्टोरेंट बनेगा, होटल बन जाएगा, दारू सेवन हो जाएगा, तो हमारे जो अनुपालन है ये खत्म हो जाएगा, हमारा ये अंदाज है। तो ये नहीं होना चाहिए, धार्मिक घटित होगा तो सबसे अच्छा ही रहेगा। हालांकि आप लोगों की बात मुख्यमंत्री ने भी माना है, उन्होंने भी कहा है कि जिनकी जो मूल चीज, उन्होंने आश्वासन दिया है, अब देखिए क्या होता है। तो हमारा अंदाज में धार्मिक घटित हो तो अच्छा ही रहेगा। अभी का अगर हम स्थिति की हम चर्चा करें यहाँ की, यहाँ जो लोग आते हैं, क्या कुछ राजस्व प्राप्त होता है लोगों से? नहीं, तो हमारे उतना अंदाजा नहीं है, तो हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है स्थिति जो मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ, यहाँ की मूल चीज, जो इन लोगों का मूल चीज है वो ये कि ये सभी लोग शाकाहारी होते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जैन के लोग जहाँ से गुजरते हैं मुंह में मास्क लगा लेते हैं। आज भले कोरोना आया हो, लेकिन समझ लीजिए कि उस समय इन लोगों का शोध कितना बड़ा था कि हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में किसी तरह का कीटाणु प्रवेश ना करे, किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसके लिए ये लोग मास्क लगा के चलते थे। अब सवाल है कि यदि इसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा, मान्यता दे दिया जाएगा, तो आने वाले समय में यहाँ होटल खुलेगा, बाहर से लोग यहाँ आएंगे, और हो सकता है सामने में ना हो, छुपकर ही कुछ काम किया जाता हो, मांस मंदिरा का यहाँ सेवन होना शुरू हो जाए, तो कुछ समय बाद, आज ना हो सकता है 50 वर्षों के बाद, जो इनकी प्राथमिकता है वो नष्ट हो जाएगी, जो इन लोगों का मान्यता है, जो मूल चीज है, उसमें व्यवधान हो जाएगा। तो इसलिए इसे मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, लोग जाकर उनसे मिले थे, और अनुमान है कि आने वाले समय में जो पौराणिक ढंग से चलता रहा था उसी ढंग से चलेगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हम वैसे ही लोगों का पूजा करते हैं जिसका सीधा हमारे जीवन से सरोकार होता है। हम बुद्ध को भी पूजते हैं, महावीर को भी पूजते हैं, और कुछ जगह महात्मा गांधी का भी पूजा प्रारंभ हो गया है, इसलिए कि इन्होंने इतिहास में कुछ ऐसा चीज कर गया है जो आज के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, और उनके मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। दूसरे जगह भी चलेंगे और देखेंगे क्या रही है यहाँ की विशेषता। अभी के लिए यहाँ से दयानुमति।